हरियाणा रोडवेज की बसों को यूपी के बुलंदशहर में रोका गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर 100 के करीब रोडवेज की बस भेजी गई थी, लेकिन यूपी पुलिस ने सभी बसों को बुलंदशहर में रोक दिया। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया है। प्रवासी मजदूरों को यूं तो उनके घर छोड़ने का वायदा किया गया था, लेकिन बस को यूपी से वापस लौटा दिया गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रधान रविंद्र नागर ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। सर, एक हमारा सीधा सा सवाल है, क्या यूपी सरकार के पास बसें नहीं है? क्या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सारे देश के जितने भी यात्री हैं उनको लेके वापस लाने के लिए हैं? तो सर, ये सीधी सी अपील है हमारी यूपी सरकार से, यूपी प्रशासन से, हरियाणा सरकार से और हरियाणा प्रशासन से कि सर, हम भी कर्मचारी हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी हैं, ये मशीन नहीं है, ये भी इंसान है। तो सर, काम हम कर रहे हैं, ड्यूटी हम कर रहे हैं, इस आपदा में हम भी अपने परिवार को छोड़कर हम भी रोड के ऊपर। अभी ये बताइए, आप किससे मिले थे और क्या बात हुई? अभी हम डीएम साहब से मिले थे सर। डीएम साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आपके उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है, तो उनके उच्च अधिकारी हैं और आपको हमारा फैसला मानना पड़ेगा। उनसे सीधी बात हुई सर, हमने भी क्लियर, जितने हमारे साथी थे, सैकड़ों साथी हमारे, हमने भी दो टूक शब्दों में मना कर दिया सभी साथियों से राय लेके। हमारा कोई भी साथी यहाँ से आके बस लेके नहीं जाएगा, हम यहाँ से वापस जा सकते हैं सर, आके नहीं जाएगी कोई भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।